माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले बायोस्टैट्स के बारे में, जो कि मेथड्स एंड बायोलॉजी का पार्ट है और इससे रिलेटेड हम थ्योरी भी देखेंगे आज की क्लास में और उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले अगर हम देखें, आज हम तीन चार टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें से जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एरिथमेटिक मीन। अगर हमें एरिथमेटिक मीन के बारे में समझना है तो उसके लिए हमें पहले एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सैंपल को कंसिडर कर लेती हूँ और यहाँ पर ये जो सैंपल है वो है कि मैंने समझो एक क्लास में टेस्ट लिया था। वो जो टेस्ट था वो टोटल था 10 मार्क्स का। अब 10 मार्क्स का अगर वो टेस्ट था तो स्टूडेंट्स ने ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स स्कोर किए होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो 10 मार्क्स स्कोर किए, कुछ स्टूडेंट ने 9 मार्क्स स्कोर किए, कुछ स्टूडेंट ने 8 मार्क्स स्कोर किए, कुछ स्टूडेंट्स ने 4 मार्क्स स्कोर किए, कुछ ने 5 किए, कुछ ने 2 किए और कुछ ने 3 किए। यहाँ पर यानी कि 3 स्टूडेंट ने 10 मार्क्स किए, 2 स्टूडेंट ने 9 मार्क्स किए, 1 ने 8, 1 ने 4, 1 ने 5, 1 ने 2 और 1 ने 3। इस तरीके से यहाँ पर हमने लिया। अब मुझे जानना है कि मेरी क्लास में एवरेज क्या था। ये तो हमने पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का बताया, लेकिन एवरेज मार्क्स मेरी क्लास में कितने आए, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिथमेटिक मीन में निकालना पड़ेगा। एरिथमेटिक मीन का सिंबल है ये और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, मुझे जितनी भी ऑब्जर्वेशन मिली है उसका सम अपॉन में मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि मेरे पास यहाँ पर कितनी ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सम की बात करूं तो सम में यहाँ पर क्या होगा, 10 + 10 + 9 + 10 + 9 + 8 + 4 + 5 + 2 + 3, इस तरीके से मैंने सबको यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मुझे देखना टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर टोटल नंबर है 10। अगर अब मैं सबसे ऊपर वाले को सबसे पहले प्लस कर लूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 70 अपॉन 10 आ जाएगा, तो मेरे पास मीन यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया। यानी कि अगर मेरे एवरेज देखूं तो एवरेज मेरे स्टूडेंट्स ने 7 मार्क्स स्कोर किए, मेरी क्लास का जो एवरेज है वो 7 है यहाँ पे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एरिथमेटिक मीन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, दैट इज मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होगा, मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल सेंटर वाला नंबर, जो कि अपर हाफ को लोअर हाफ से सेपरेट करेगा। जैसे कि मेरे पास जो नंबर थे उनको सबसे पहले मुझे किस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, उनको सबसे पहले मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास कुछ नंबर थे 5 9 9 10 10 10, ये सारे मेरे पास नंबर थे। अब यहाँ पर अगर मैं नंबर देखूँ तो ये मेरे पास नंबर कैसे है, इवन नंबर है। इवन नंबर में जो अगर मुझे सेंटर में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास कोई एक सेंटर नहीं आएगा, उसके लिए मेरे पास दो सेंटर आएंगे। जैसे कि इस कंडीशन में 8 और 9 मेरे पास सेंटर आ रहे हैं, तो 8 और 9 का मुझे क्या लेना पड़ेगा, 8 और 9 का मुझे एवरेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में 8 + 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 17 17/2 और वो हो जाएगा 8.5। तो यानी कि 8.5 यहाँ पर क्या हो गया, एवरेज मीडियन हो गया। ये किस कंडीशन में मीडियन हुआ, जब इवन थी। अब मैंने समझो यहाँ पर एक और नंबर इंसर्ट कर दिया, तो अब यहाँ पर कितने हो गए, अब ये टोटल 11 हो गए। 11 के कंडीशन में तो ऑब्वियसली यहाँ पर आ पाएगा मीडियन, ये यहाँ पर 8 जो है ये मीडियन आ गया। इसमें 5 इस तरफ है और 5 इस तरफ है और 8 यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में है, मीडियन है। इसके लिए यहाँ पर ऑड के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, n + 1/2, इस तरीके से। जैसे कि n क्या है, n यहाँ पर है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। तो मैंने यहाँ पर कहा कि वो कितना है, वो तो यहाँ पर टोटल 10 है, क्योंकि हमने 10 ऑब्जर्वेशन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो 10 थी वो हमने पहले के कंडीशन में ली थी। अब हमारे पास टोटल कितनी है, 11 है, क्योंकि हम ऑड का ले रहे हैं, +1/2 था, तो ये कितना आ जाएगा, 12/2 और ये कितना आ जाएगा, 6। यानी कि 6 का नंबर क्या है, 6 नंबर जो है वो किस तरीके से होगा, वो मीडियन होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 8 यहां पर आ गया मीडियन, एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से आप मीडियन का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे आएगी वो आती है मोड। मोड जो होता है वो सबसे इजी होता है। मोड का मतलब होता है कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन रिपीट हो रहा है। मोड का मतलब होता है कि कौन सा नंबर है जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है। यहाँ पर हम आराम से देख के बता सकते हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीट कौन सा नंबर होगा, यहाँ पर होगा 10 नंबर। तो मोड क्या हो गया, मोड की वैल्यू यहाँ पर हो गई 10।
ऐसे ही यहाँ पर हो सकता है कि कोई और नंबर रिपीट हो रहा था, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे 5 5 5 और मैंने 5 डाल दिए तो यहाँ पर 5 हो जाता। अब समझो मैंने एक कंडीशन ली जिसमें मेरे पास 5 भी 5 थे, मेरे पास 10 भी 5 थे, फिर मेरे पास 3 3 2 1 थे। तो इस कंडीशन में दो मोड है, तो अगर दो मोड होंगे तो उसको हम बोल देंगे बाई मोडल, एक मोड होगा तो यूनिमोडल। तो इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन होती है, यूनिमोडल यानी कि सिर्फ एक मोड है, बाई मोडल यानी कि दो मोड है, और एक ट्राई मोडल यानी कि तीन मोड है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सो ऑन चलता रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने मोड प्रेजेंट है। किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि कोई मोड ना हो, हर एक नंबर जो है वो इक्वल नंबर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे कि 1 एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, तो उस वाली कंडीशन को हम बोलेंगे नो मोड कंडीशन। नो मोड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि हर एक नंबर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होता है मेन मीडियन मोड, जो कि बहुत ही ईजी सी चीज है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े तो अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यानी कि किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे ग्राफ्स को। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहला केस आप लोगों के सामने रखा है, ये केस जो है ये एक फैक्ट्री का केस है, फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनका केस है, और फैक्ट्री में जो हमने कंसीडर किया है लोगों को, उनकी एज है 30 से लेकर 39 एज के बीच में। मैंने कहा है कि यहाँ पर जो 30 से 39 एज के लोग हैं इनका हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा कि वो कितना होता है। तो हमने जब देखा तो ज्यादातर फैक्ट्री वर्कर्स का 30 से लेकर 39 एज में 120 जो था वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था। अगर मैं उसमें हायर की तरफ मूव करती हूँ तो वो धीरे 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 रिड्यूस हो रहा है, और अगर मैं लोअर की तरफ मूव कर रही हूँ तो भी वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ये वाली सेंटर वाली वैल्यू है, इस वाले लोग सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ग्राफ सिमेट्रिकल ग्राफ है, यानी कि ये ग्राफ कैसा है, बेल शेप ग्राफ है। आप देख सकते हैं इसका शेप भी बेल शेप है, यानी कि जो सेंटर की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा, और हम जिस जिस तरीके से एक्सट्रीम की तरफ मूव करते जाएंगे वैसे वैसे जो नंबर है वो कम होता जाएगा। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें बेल शेप्ड आपको ग्राफ देखती है। और अगर हम इस कंडीशन में बढ़ेंगे तो इस कंडीशन में आपको मेन मोड एंड मीडियन तीनों ही कैसे मिलेंगे, तीनों ही यहाँ पर इक्वल होंगे। क्यों यहाँ पर इक्वल होंगे, आप देख सकते हैं जो मोड होता है उसका मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला, तो यहाँ पर 120 वाले सबसे ज्यादा थे तो ऑब्वियसली वही रिपीट हो रहा है। मीडियन क्या होता है, जो सेंटर वाला होगा तो यहाँ पर सेंटर में मीडियन है। और मीन क्या होता है, जब हम पूरी वैल्यू का जितनी भी हमारे पास वैल्यू है उसका अगर हम मीन निकालेंगे तो वो, तो यहाँ पर जो तीनों वैल्यू है वो सेम होती है, दैट मीन इज मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। तो इस कंडीशन में नॉर्मल सिमेट्रिकल कंडीशन में मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड होता है। इसी के अलावा एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं स्क्यूनेस, क्योंकि ले हमेशा ऐसी कंडीशन तो होगी नहीं, कभी होगा कि जो सेंटर वैल्यू है उसके लेफ्ट की साइड ज्यादा चीजें होंगी या सेंटर वैल्यू के राइट हैंड साइड ज्यादा चीजें होंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंसिडर किया एक क्रिकेट मैच, जैसे मैंने कंसिडर कर लिया एक क्रिकेट मैच में, मैंने यहाँ पर देखा कि जो सेंटर वैल्यू होती है, जो मीडियन की वैल्यू होती है, उससे लोअर परफॉर्मेंस रही है। क्रिकेटर्स ने इस मैच में लगभग ज्यादा क्रिकेटर्स ने 20 से लेकर 40 रन के आसपास इन्होंने ज्यादा बताया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है, जो हमारी मीडियन वैल्यू होती है यानी कि जो सेंटर वाली वैल्यू, उससे कम है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर स्क्यू देख सकते हो, एक स्क्यू बन रहा है राइट हैंड साइड पे, आप स्क्यू देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर ये टेल राइट हैंड साइड बन रही है तो इस टाइप के टेल को बोला जाता है, इस टाइप के स्क्यूनेस को बोला जाता है पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस मतलब कि यहाँ पर जो टेल है वो किस तरफ प्रेजेंट है, ज्यादा नंबर की तरफ ये टेल बन रही है। तो इस तरीके की कंडीशन को बोलते हैं स्क्यूनेस। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये मीडियन जो है ये किस पे होगा, ये तो 50 पे होगा, क्योंकि मीडियन जो है वो सेंटर वैल्यू होती है। लेकिन मोड और मीन का क्या, क्या इस कंडीशन में भी मोड और मीडियन सेम जगह पे होंगे? नहीं, क्योंकि मोड का मतलब हमें पता है ऐसा नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें हमें पीक दिख रही है यहाँ पर, यानी कि 30 जो है वो क्रिकेटर्स ने, सबसे ज्यादा क्रिकेटर्स ने 30 स्कोर किए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मोड जो होगा वो 30 होगा। वही यहाँ पर मीन क्या होता है, मीन यहाँ पर सभी का एवरेज निकालेंगे तो मीन होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है हमें कि मीन इसमें सबसे ज्यादा है,
फिर यहाँ पर मीडियन होता है और फिर यहाँ पे मोड होता है। इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू होती है। मीन क्या है? मीन ज्यादा की तरफ है, और मोड क्या है? मोड लेस की तरफ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मोड की वैल्यू सबसे कम होगी, और मीडियन की उसके बीच में होगी। इसी तरीके से अगर मैंने लिया एक और मैच, और इस मैच में जो क्रिकेटर्स थे उनके जो परफॉर्मेंस थी वो मीडियम से बेटर थी, यानी कि वो सेंटर वैल्यू से उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी थी, 50 से उन्होंने ज्यादा स्कोर किया है नेक्स्ट क्रिकेट मैच में। तो इधर हम देखेंगे तो ज्यादातर जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने लगभग 70 से लेकर 90 के आसपास जो है स्कोर बनाया। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं जो टेल बन रही है वो कहाँ बन रही है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बन रही है, यानी कि कम नंबर्स की तरफ बन रही है। तो इसको बोला जाता है नेगेटिव स्क्यूनेस, इस वाली कंडीशन को बोला जाएगा नेगेटिव स्क्यूनेस। अब इसमें अगर हम देखेंगे यहां पर हमें पता है मीडियन तो क्या होगा, जो सेंटर वैल्यू होती है उसको मीडियन कहा जाएगा। मोड क्या होगा? मोड यहाँ पर जब सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला जो भी स्कोर होगा उसको मोड बोला जाएगा। तो यहाँ पर 80 के करीब हम मान सकते हैं मोड। और वहीं अगर हम मीन की बात जाएं तो मीन यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड सबसे ज्यादा होगा, फिर मीडियन होगा और फिर मीन होगा। तो इस कंडीशन में नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होगा? मोड सबसे ज्यादा, फिर मीडियन एंड फिर उसके बाद मीन। यही चीज आप देख सकते हैं यहां पर इस ग्राफ में भी दिखाई गई है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में सबसे ज्यादा मीन होता है, फिर मीडियन है, फिर मोड, और नेगेटिव स्क्यूनेस में सबसे ज्यादा मोड होता है। इस तरीके से यहाँ पर आपको ये चीजें देखनी है। अगर हम यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें तो सबसे पहला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आया हुआ है नवंबर 2020 में, यानी कि सबसे रीसेंट है बायोस्टार्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पॉजिटिव स्क्यू दिया हुआ है, नेगेटिव स्क्यूनेस दी हुई है। आपको सिर्फ और सिर्फ ए बी और सी देखना है। आप यहाँ पर पीक देख के भी समझ सकते हो कि ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है यानी कि वो ए है, यानी कि वो क्या है? वो मोड है। वो ऑब्वियसली बात है, वो क्या होगा? मोड होगा। यहाँ पर हमें पता है पॉजिटिव स्क्यूनेस में सबसे ज्यादा क्या होगा? मीन होता है। वहीं इसमें सबसे कम मीन होगा, तो सी ऑप्शन हो गया मीन। वहीं जो बी हो गया वो हो गया मीडियन। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पता लगा लिया कि ए क्या है, ए यहाँ पे मोड है, बी यहाँ पर क्या है, बी यहाँ पर मीडियन है, और सी यहाँ पर मीन है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आराम से आपके इस क्वेश्चन में 4 मार्क्स बन सकते हैं कि कोई मुश्किल नहीं होने पे। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन है जो कि जून 2018 का है, रीसेंट क्वेश्चन है। फॉलोइंग अ स्टेटमेंट टू डिपिक्ट रिलेशनशिप अमंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन स्क्यूड डेटा सेट। यहाँ पर आपको क्या बोला है? इन पॉजिटिव स्क्यूड डेटा सेट मीन इज मोर देन मीडियन, दैट इज मोर देन मोड। बिल्कुल सही बात है। इन पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा सेट मोड इज मोर देन मीडियन, मोर देन मीन नहीं। नेगेटिव स्क्यूनेस में मीन इज मोर देन मीडियन, मोर देन मीडियन, मोड नहीं। इन नेगेटिवली स्क्यूनेस डेटा मोड इज मोर देन मीडियन एंड इट इज मोर देन मीन। बिल्कुल सही बात है। तो ए और डी बिल्कुल सही हो गया, यानी कि यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक और इसी से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देख लें तो क्या है? फीमेल फिडलर क्रैब्स प्रेफर मेल फिडलर क्रैब्स विद लार्ज क्लॉज ओवर द मेल विद द स्मॉलर क्लॉज। इफ द सिलेक्शन प्रेशर एक्सर्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग रिजल्टिंग इन अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लॉज साइज व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पॉपुलेशन मीन मीडियन एंड मोड। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लार्जर जो क्लॉज हैं उनको प्रेफर किया जा रहा है एज कंपेयर टू स्मॉलर की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर स्क्यूनेस देखो। तो इस कंडीशन में जो लार्जर वाले होंगे उनको प्रेफर किया जा रहा है, तो इसमें ग्राफ किस तरीके से आएगा? इस तरीके से। वहीं जो स्मॉलर वाले हैं उनको प्रेफर नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो ग्राफ है उसमें जो पॉइंट है, जो टेल है, वो किस तरफ आ रही है? वो नेगेटिव की एंड की तरफ आ रही है, यानी वो कम की तरफ आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यू, क्योंकि टेल जो है वो कम की तरफ है, वहीं लार्जर वाले को प्रेफर किया जा रहा है। तो ये क्या है? नेगेटिवली स्क्यूड होगा। नेगेटिवली स्क्यूड में हमें पता है सबसे ज्यादा होगा मोड, फिर होगा मीडियन और फिर होगा मीन। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ग्राफ आ जाएगा मोड सबसे ज्यादा, फिर मीडियन और फिर मीन होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से ये दिसंबर 2019 का ही क्वेश्चन है, वंस अगेन रीसेंट क्वेश्चन है। तो गाइज ये सारे हमारे थे आज के क्वेश्चन, और आज हमारा पहला टॉपिक बायोस्टैट से रिलेटेड बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, मीन मीडियन मोड एंड स्क्यूनेस के ऊपर।